लिटरली जो शर्मा जो मेरा सरनेम है वो मेरे पापा की वजह से मुझे मिला है। मेरी पहचान दीप्ति के नाम से ही है और मैं यहाँ पे सभी महिलाओं से, स्पेशली सभी वर्ग की, सभी जाति की महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई वर्ग नहीं है। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर निकल रही है, कोई भी औरत काम करने के लिए बाहर निकल रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसको सपोर्ट करना है। और जो आज ये सोच उन लोग जो पितृसत्तात्मक, जो हमारे पितृसत्तात्मक जो समाज है, उस समाज से जो निकलने की सोच और जो अधिकार हमें दिए हैं वो अंबेडकर ने हमें दिए हैं। और अंबेडकर को और उनके संविधान को समझने की, उनको पढ़ने की, उनको जीने की और उनका सम्मान करने की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज सबसे ज़्यादा कोई शोषित वर्ग है वो महिला वर्ग है। सबसे ज़्यादा जो आज जिसको कोई किसी भी तरीके का, आप किसी भी जाति वर्ग में चले जाइए, सबसे ज़्यादा शोषित आपको महिला वर्ग मिलेगा। तो सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंबेडकर को समझिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, अंबेडकर जी ने, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है, और उनको पता था कि चीज़ें बदलेंगी भी, राइट। तो उन्होंने जो भी बनाया, जितने भी कानून उन्होंने बनाए, वो केवल शोषितों के लिए नहीं थे। अगर ऐसा होता तो आज वो वर्ग जो अपने आप को सत्ता में पा रहा है, या जो वर्ग अपने आप को ये कह रहा है कि हम सबसे उच्च हैं, उनका खुद का अस्तित्व वहाँ नहीं रहता। तो मैं ये नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से अंबेडकर ने जो बनाया था वो भारतीयों के लिए बनाया था और उनकी मानसिकता में भारतीय थे। उनकी मानसिकता में इस तरीके का जो वर्गवाद, उनको लेके जो पक्षपात, चाहे उनको स्कूलों में जो उनके बारे में पढ़ाया जाता है वहाँ उनके बारे में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो उस मानसिकता से बिलोंग करते हैं। जो खुद अंबेडकर को नहीं जानते तो वो बिना बायस होकर पढ़ा नहीं सकते अंबेडकर को। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।